हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द शिवानी दुर्गा शो। मैं हूँ शिवानी दुर्गा, आज नेचर के साथ में। और हमारा जो एपिसोड है आज स्टूडियो शूट नहीं बल्कि आज नेचर शूट है, और नेचर से जुड़े हुए एलिमेंट्स जो आपकी जोडियक के हैं उनके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। नेचर से जुड़िए, ये सबसे बड़ा मैसेज है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए जिसकी वजह से हमारी नेचर को नुकसान हो, अल्टीमेटली वो नुकसान हमारा हो रहा है। तो आज इन्जॉय कीजिए इस शो को, जानिए अपने एलिमेंट्स के बारे में, और रेमेडी भी जो है आज आपके एलिमेंट्स से रिलेटेड ही आपको दी जाएगी। शिवानी दुर्गा शो का उद्देश्य है कि आप तक पहुंचे, आपको ऐसी रेमेडीज दें जो आप घर में बैठकर अपना सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। अगर आपको शो के दौरान बताए गए किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो आप हमारे फिजिकल स्टोर कालीज बोटैनिका को विजिट कर सकते हैं या दी गई डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं शो की तरफ और लेते हैं पहली राशि, एरीज यानी की मेष। देखते हैं मेष आज आपके सितारे क्या कहते हैं। मेष आपकी जो राशि है वो अग्नि तत्व प्रधान है, यानी कि फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। आपके जो एलिमेंट वाले राशि के जातक होते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, ड्रीम्स का उनको पावर होता है, प्लस वो लोगों को देख कर पहचानने की क्षमता रखते हैं। आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये मैं बता देती हूँ। आज का दिन इल्यूजनरी सक्सेस आपके लिए लेकर आएगा। इल्यूजनरी सक्सेस मतलब कि आप जो सोचेंगे कि ये आपके फेवर में जा रहा है जबकि वो आपके फेवर में नहीं होगा। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो कुछ चीज़ें आप अपने फेवर में नहीं ला पाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन आज के लिए ये है कि आज का दिन थोड़ा आराम से व्यतीत कीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और उसके अलावा कोई लीगल पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स साइन मत कीजिए। देखते हैं आपकी रेमेडी आज आपके लिए क्या है। एरीज आप क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान राशि हैं तो आपके लिए जो रेमेडी है वो भी उसी से जुड़ी हुई है। आज आपको कोयला जलाना है या गाय का उपला जो होता है उसको जलाना है। जब वो अंगारे जैसा लाल हो जाए तो उस पर आपको लोबान डालना है और इसे पूरे घर में आपको घुमाना है। इससे ना तो केवल शुद्धिकरण होगा बल्कि रुकी हुई जो ऊर्जा होती है जो आपके घर की एनर्जी को, वातावरण को खराब करती है, वो भी घर से बाहर चली जाती है। इससे नए आय के स्रोत उत्पन्न होते हैं, प्लस आपको बहुत सारे दूसरे फायदे भी होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हों या न्यू अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड इश्यूज हों, आपके सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ। देखते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं। टॉरस, क्या लिखा है आपके भाग्य में आज। और आपके सितारे कहते हैं कि आपका दिन जो है आज बहुत मेहनत वाला गुजरेगा, मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा अगर आप किसी चीज़ की उपलब्धि आज चाहते हैं तो, अन्यथा आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। कहीं ना कहीं जो है इस समय टाइम आपके फेवर में नहीं है, आज का दिन आपके फेवर में नहीं है, पर आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको देने वाली हूँ आपकी रेमेडी। आपके लिए जो रेमेडी है टॉरस, क्योंकि आपकी जो राशि है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है तो आपकी रेमेडी भी उसी से जुड़ी हुई है। आपको आज दो पत्थर लेने हैं जो गोल शेप में हो, इनको अपने साथ लाल कपड़े में बांधकर कैरी करना है। मैं ये नहीं कह रही कि बड़े हों, आप छोटे छोटे टुकड़े लीजिए लेकिन गोल होने चाहिए। इनको आप अपने साथ कैरी कीजिए, अगर ये हरे रंग के हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप आज एमरल्ड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एमरल्ड खरीदिए और इसे हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ स्टोन है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, प्लस आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स भी खुल जाएंगे। ट्राई कीजिए इसे और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है मिथुन यानी कि जैमिनी। जैमिनी, पहुंच गए आप तक, और आपका जो राशि है वो वायु तत्व प्रधान है यानी कि एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। आपके लिए पहले देखेंगे कि आपका दिन कैसा बीतता है, फिर आपको देंगे एलिमेंटल रेमेडी। आपका दिन जो है वो स्वास्थ्य से कहीं जुड़ा हुआ आज दिखाई दे रहा है कि बैलेंस्ड नहीं है एनर्जीज, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। आपको आज डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, अन्यथा आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज डॉक्टर को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई शुभा न रह जाए कि आपकी तकलीफ जो है आपको पता नहीं चली समय रहते हुए। जैमिनी, आप क्योंकि वायु तत्व प्रधान राशि हैं यानी कि एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं तो आज आपकी जो रेमेडी है वो भी उसी से जुड़ी हुई है। आज आपको छोटी सी एक चांदी की तलवार बनवानी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, छोटी सी मतलब जो आप पेंडेंट फॉर्म में बनवाएं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो
तो आप लोहे का भी एक चाकू छोटा सा बनवा सकते हैं, जो कि डैगर फॉर्म में होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डैगर है मेरे पास, इस तरह का बनवा सकते हैं या जैसा भी आपको अच्छा लगे आप एक डैगर बनवा लीजिए। इसको पेंडेंट फॉर्म में बनवाएं और इसको आप अपने गले में पहन कर रखें हमेशा के लिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डैगर होता है वो एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये आप पहने, इससे फ़ायदा होगा, ये चार्म की तरह आपके लिए काम करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार आपके लिए खोल देगा, अटैक्स आप तक पहुंचने नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तर्फ, जो कि है कैंसर यानी कि कर्क। कर्क राशि यानी कि कैंसर, आप जल तत्व प्रधान राशि हैं, यानी कि आप वाटर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस राशि का, स्पेशली इस राशि का जो खासियत है वो ये है कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा सा गॉसिपिंग में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इन पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को, जो नेगेटिव एक एलिमेंट आपके अंदर है, इसको दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपनी एक नेचर लेकर पैदा होता है, हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव होता है, उसकी वजह से वो यूनिक होता है। तो आपकी जो क्वालिटी है ये लोगों को फ़ायदा भी करा सकती है, नुकसान भी करा सकती है। तो जब भी बोलें नाप तौल कर बोलने की कोशिश करें, कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं आपके सितारे, और आपके सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपको स्पिरिचुअली बिताना चाहिए, यानी कि किसी होली प्लेस को आप विजिट कर सकते हैं या घर में मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई प्रेयर, स्पेशल प्रेयर आज आप परफॉर्म कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, जो भी आपको फील बेटर कराए वो चीज़ आज आपको करनी है। लेकिन आज आपको स्पिरिचुअल रहना है पूरा दिन, इससे आपको फ़ायदा होगा। प्लस मैं आपके एलिमेंट से जुड़ी हुई आज आपको रेमेडी दे रही हूँ, लिख लीजिए। कर्क, आप जल तत्व प्रधान राशि हैं, तो आपका जो आज का रेमेडी है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। आपको आज एक नारियल लेना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। जनरली वो हम भगवान को चढ़ाते हैं, हर पूजा में वो नारियल इस्तेमाल होता है, श्रीफल जिसे कहा जाता है। एक यही फल ऐसा है या वस्तु ऐसी है जिसके अंदर जल पाया जाता है, बाहर से कठोर होते हुए भी अंदर से जो नर्म होता है और उसके अंदर जल होता है, इसको गर्भ की उपमा भी प्रदान की गई है। तो आज आपको एक नारियल लेना है, इसके ऊपर मौली लपेटनी है, फिर इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटना है और इसको जाकर के किसी कुएं में, नदी में, तालाब में, झरने में या समुद्र में आपको विसर्जन कर देना है। इन केस अगर आपके पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है आपकी सिटी में या गांव में, तो आप इसको अपने घर में लटका सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, बुरी दृष्टि से भी आप बचे रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है लियो यानी कि सिंह। लियो यानी कि सिंह, लीडर्स जिन्हें कहा जाता है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है इनके अंदर, इनकी बात अगर ना मानी जाए तो बुरा मान जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी भी होते हैं स्वभाव से, रैपिड प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आइडियाज़ इनके बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन इनकी कद्र करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। देखते हैं आज आपके सितारे क्या कहते हैं। आपके सितारे जो हैं वो आज बता रहे हैं कि आपका दिन आप का पावर से रहित होगा, यानी कि पावर आज आपके हाथ में नहीं रहेगी। कहीं आप कोशिश करेंगे डोमिनेट करने की या अपनी बात को मनवाने की, वो आप नहीं कर पाएंगे। मैं कहूंगी क्योंकि सिंह राशि का एक स्वभाव है, मैं, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने अहंकार को, ईगो को अगर आज खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आपके सभी लोग जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं सहायक बन जाएंगे। सिंह अग्नि तत्व प्रधान राशि यानी कि लियो, अग्नि से जुड़ा हुआ जो रेमेडी है वो आपका ये करना है, क्योंकि अग्नि का रंग जो है वो लाल है, तो आज आपको लाल रंग की मोमबत्ती यानी कि रेड कैंडल के ऊपर अपना नाम लिखना है और इसे जलाना है। एक छोटा बॉटल मध्य का यानी कि शहद का लेकर के उसके साथ में जो इसका बचा हुआ वैक्स है उसको आपको क्रॉस रोड्स पर नेक्स्ट डे छोड़ना है, और 311 रुपीज़ के कॉइन्स भी आपको छोड़ने हैं। उसके बाद आप घर आ जाएं पीछे मुड़े बिना और घर आकर के अपना दिनचर्या शुरू करें। आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी होगी। एलिमेंटल रेमेडीज़ जो मैं आपको दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही परफॉर्म करनी है, ये आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपके एलिमेंट्स से जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वर्गो यानी कि कन्या। वर्गो यानी कि कन्या, आपकी जो राशि है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं आप। इस राशि के जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा धैर्यशील होते हैं, स्लो प्रोग्रेस करते हुए भी स्टडी प्रोग्रेस इनकी होती है लाइफ में, जो डिसाइड कर लें वो करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत अलूफ भी हो जाते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत कम परिस्थितियों में होता है। अक्सर ये लोग बहुत अच्छा घर बनाते हैं। आपके लिए देखते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे वर्गो, और आपके सितारे कहते हैं
कि आप जगलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, कहीं दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल है, समझ में नहीं आ रहा कि इसे चूज़ करें या इसे चूज़ करें, तो ये जगलिंग से अभी आपको और थोड़ा जूझना है, क्योंकि समय अभी आपके फेवर में नहीं है, तो ये जगलिंग थोड़ा और चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली आप डिसीजन तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखें, डेफिनेटली आपको तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो मैं रेमेडी दे रही हूँ वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है, लिख लीजिए। वर्गो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है आपकी राशि, और आपका जो रेमेडी है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। लिख लें आप, आपको आज रेत इकट्ठी करनी है और इसे आपको एक पात्र में रखना है। रखने के बाद में आपको 5 pointed star इसमें क्रिएट करना है अपने फर्स्ट फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर कहलाती है राइट हैंड की, इससे। तो ये स्टार आपको बनाना है रेत के अंदर। घर पे आप कर सकते हैं या समुद्र किनारे भी जाकर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है लीब्रा यानी कि तुला। लीब्रा यानी कि तुला, आपकी जो राशि है वो वायु तत्व प्रधान है, यानी कि एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। ये राशि के जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव, बैलेंस्ड होते हैं, डिटैच्ड भी होते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं होता, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इनकी रही है शुरू से, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों से बच भी जाते हैं। किसी समस्या में अगर घिर जाएं तो उससे इन्हें निकलना भी बखूबी आता है। आपके लिए आज का दिन रहेगा बहुत अच्छा, कहूँगी जैसा आप चाहते हैं उसी तरह का, लेकिन किसी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के या न्यू आइडियाज़ को लेकर, न्यू बिजनेस को लेकर के, न्यू रिलेशनशिप्स को लेकर के, आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आज कोई भी डिसीजन ना लें, दिन अच्छा आपके फेवर में नहीं है। मैं आपको आपकी एलिमेंट से जुड़ी हुई रेमेडी एक देती हूँ, इससे उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा बीतेगा और ये रेमेडी आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिख लीजिए, रेमेडी लीब्रा की जो है वो ये है कि आपको आज एयर एलिमेंट्स के साथ में जुड़ना है। एयर एलिमेंट में आप बेल्स अपने घर में बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, तुरही बजा सकते हैं, फ्लूट बजा सकते हैं, आप इन्हें बजाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये बजा नहीं सकते तो आप बेल बजाएं। साउंड जो भी क्रिएट होती है वो एयर से क्रिएट होती है, एयर एंड फायर से मिलकर क्रिएट होती है। तो एयर एलिमेंट के लिए कोई भी साउंड अगर आप करेंगे तो वो एयर को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, टेलीपैथी एयर को रिप्रेजेंट करती है, शार्प माइंड एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज एयर एलिमेंट से आपको जुड़ना है। आप आज कंप्यूटर पर बहुत सारा काम कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, और उसके अलावा बेल भी बजा सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। ये आप आगे आने वाले समय में भी अपना सकते हैं, हमेशा आप जब भी ये रेमेडी करेंगे आपको फायदा जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक जल तत्व प्रधान राशि, यानी कि वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई जोडिएक। इस राशि के जो जातक होते हैं इमोशनल, सेंसिटिव, वेरी इंट्यूटिव एंड सीक्रेटिव माने जाते हैं। गुस्सा होगा तो दिखाएंगे नहीं, रिवेंजफुल भी होते हैं ये, और केयरिंग इन्हें कहा जाता है कि जिसके साथ भी ये जुड़ते हैं उसकी बहुत हिफाजत करने की कोशिश करते हैं जहां तक ये कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार दिमाग में कहीं रिवेंज घुस जाए तो वो रिवेंज लिए बिना उसे छोड़ते नहीं। लेकिन ओवरऑल ये राशि बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। देखते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं। वृश्चिक, आपके सितारे कहते हैं कि आज आपका दिन जो है सैक्रिफाइस वाला बीतेगा, अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे कार्मिक चीज़ें जो हैं आपके सामने आ रही हैं, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो ये आपको लंबे समय के लिए बेड पर डाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ इस समय आपके लिए सबसे बड़ी वेल्थ है, इसको बचा कर रखिए, इसको सेव कीजिए। अपना कोई अगर चेकअप्स हैं रेगुलरली उनको करवाते रहिए, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बढ़ते हैं आपकी रेमेडी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है आप ही के एलिमेंट से। लिख लीजिए, आपके हेल्थ इश्यूज क्योंकि स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके जल तत्व प्रधान राशि हैं, इसके लिए रेमेडी मैं आपको उसी हिसाब से दूंगी। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि रेमेडी करने के साथ साथ आप डॉक्टर के पास चेकअप ज़रूर कराने जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को साथ में ही चलना चाहिए, तभी वो फलदायक होती हैं। आपकी रेमेडी ये है कि आप चांदी के लोटे में जल भरें, इसमें 3 tambe ke sikke डालें, इसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद ये सूर्य को अर्पण करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अगर आप रोज़ सूर्य को जल दे सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। माणिक्य आप पहन सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं नवी राशि की तरफ, जो कि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। धनु यानी सैजिटेरियस अग्नि तत्व प्रधान राशि यानी कि फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई राशि। इसके जातक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत रैपिड प्रोग्रेस करने वाले
और फिर अंत में ऐसा होता है कि इतना जितना जल्दी से ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही जल्दी वो नीचे भी आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी सफलता आपके सर पर ना चढ़ जाए। अगर आपके दिमाग में चढ़ गई तो आपको अहंकार का शिकारी बना देगी। तो आप इस अहंकार से बचें, इससे आपको फायदा होगा। देखते हैं आपका दिन आज कैसा बीतने वाला है। धनु, आपके लिए मैसेज ये है कि आप, जैसा कि आपका नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हुए कई बार लोगों के मन को दुख पहुंचा देते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं ये आपके साथ भी कल हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको बाद में तकलीफ उठानी पड़े। प्रैक्टिकल रहिए लेकिन कड़वे मत बनिए। और आपको मैं आपके तत्व से जुड़ी हुई आपकी रेमेडी भी देती हूँ, उसे भी आप लिख लीजिए। क्योंकि आप फायर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपकी जो आज की रेमेडी है वो भी फायर से जुड़ी हुई है। आज आपको करना है फायर रिचुअल, यानी कि अग्नि प्रकट करनी है। चाहे आप हवन कुंड में करें, किसी बर्तन में करें, गोबर से करें, या फिर आप लकड़ी जला सकते हैं, लेकिन अग्नि आपको प्रकट करनी है। उसमें आपको कुछ मीठा पकाया हुआ भोजन अर्पित करना है। उसके बाद में आपको जल के छींटे दे करके अग्नि को शांत करना है। उसकी परिक्रमा एक कर लें, यानी कि प्रदक्षिणा कर लें। ये जो है रिचुअल आप कभी भी अपना सकते हैं, क्योंकि आपके एलिमेंट से जुड़ा हुआ रिचुअल है। इससे आपको फायदा होगा। आज भी करें क्योंकि इसकी आपको सख्त जरूरत है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई राशि, पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई राशि। बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, खाना बनाना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, खाते भी बहुत अच्छे से हैं, मतलब आप इनको फूडी कह सकते हैं। घर को बनाना कैसे रखना चाहिए, इन्हें होममेकर्स की उपाधि मिली हुई है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके बारे में क्या कहते हैं आपके सितारे। आज आपके सितारे कह रहे हैं यहाँ पर कि आज जो है दिन आपके हिसाब से बीतने वाला है। जो आप चाहेंगे वही होगा। दिन भर में पूरी तरह से प्रैक्टिकल आज आपकी अप्रोच रहने वाली है। न्यू आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इस आइडिया को आपको फलीभूत भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचना है, बल्कि इस पर आपको वर्क भी करना है। तो वो हार्ड वर्क आज आपको करना है, तो आपको फ्रूट्स ज़रूर उसके मिलेंगे। आपकी ही तत्व से जुड़ी हुई जो है आपको रेमेडी दे रही हूँ, वो आप लिख लीजिए। अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई राशि कैप्रिकॉर्न, आज आपको एक उपाय करना है कि आपको दो पत्थर लेने हैं जो गोल हो या किसी भी फॉर्म में हो, इनको आपस में आपको टकराना है और अग्नि प्रकट करने की कोशिश करनी है। जैसे ही उसमें से अग्नि निकलेगी वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगी, और पत्थर जो है आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। ये दोनों पत्थरों को आप अपने पास हमेशा रखिए, ये दोनों साथ में रहने चाहिए, इन्हें आप कभी भी अलग ना करें, और कभी अलग हो जाए तो दूसरा पत्थर भी आप फेंक दें। इसके अलावा आज आपको किसी न किसी को भोजन दान करना है, पूरा खाना बना करके दान करना है। उसमें स्वीट होना चाहिए, षडरस जिसको कहे जाते हैं भोजन के, ये आपको आज तैयार करना है और किसी को देना है पानी के साथ में। ये आने वाले समय में भी आपको फायदा कराता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वायु तत्व प्रधान राशि, यानी कि एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं आप। आपका जो नेचर है बहुत डिटैच्ड है, सभी के मित्र होते हुए भी आप किसी से अटैच नहीं होते। और अगर आपको लगता है कि अगर आप अटैच होने वाले हैं किसी से, वहीं पर अपना सेफ गार्ड खड़ा कर देते हैं और आप उससे दूर हो जाते हैं। आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ आपको वीक बनाती हैं या आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये आप सभी की हेल्प करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे जो है आपके मित्र आपके सगे संबंधियों से ज़्यादा आपकी केयर करते हैं और आपके हमेशा बने रहते हैं। आपके लिए जो दिन रहेगा वो आज ट्रिकस्टर कह सकती हूँ मैं आज के लिए आपको, कि आप ट्रिक्स खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमेशा ट्रिक्स काम करें ये ज़रूरी नहीं होता। तो आज मैं ये कहूँगी ट्रिक्स जो आप खेलेंगे आपके फेवर में रिजल्ट्स आपको नहीं देंगी, बेहतर है कि आप ना खेलें। क्योंकि ऐसी ट्रिक्स खेल के आज तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कल को डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। किसी अच्छे व्यक्ति से आपका साथ छूटने के योग बने हुए हैं, तो ट्रिक्स के लिए बिग नो। आपकी जो रेमेडी है वो एयर एलिमेंट से, एक्वेरियस यानी कुंभ आपका जो एयर एलिमेंट है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि एयर भी किसी से अटैच नहीं होती, फिर भी जीवनदायिनी है, वही आपका नेचर है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आज मोर पंख लेने हैं या कोई भी पक्षी के पंख आप लें, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, कुछ भी, वो पंख आपको ऑड नंबर्स में लेने हैं।
3, 5, 7, 9 इस तरह से आपको लेने। अगर आप 108 सेम पंख ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। इसे ला करके आपको वास में रखना है। ये आपके घर में जब तक रहेंगे आपको बरकत होगी और आपके जीवन में जो परेशानियां मैं देख रही हूँ वो नहीं आएंगी। जब ये पंख खराब हो जाए तो आप नए वापिस से ला करके नए वास में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आखिरी राशि की तरफ जो कि है पाइसेस यानी कि मीन। पाइसेस मीन जल तत्व प्रधान राशि यानी कि वाटर आपका एलिमेंट है। आप जल के आसपास होते हैं, पानी के आसपास होते हैं, इस एलिमेंट के आसपास होते हैं तो यू आर हील्ड। आपकी हीलिंग अपने आप ही नेचुरली शुरू हो जाती है। आप खुद को हील करना शुरू कर देते हैं। वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, मोस्टली जो इमोशंस होते हैं वो टुवर्ड्स नेगेटिविटी होते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशंस को आप ज़्यादा कैरी करते हैं। नेगेटिव इमोशंस किसी भी व्यक्ति में पास्ट को कैरी करने से होते हैं। जो व्यक्ति अपने पास्ट को साथ लेकर चलता है और उसे दुखी होता रहता है वो नेगेटिव इमोशंस में कन्वर्ट होता है और वो व्यक्ति फिर हमेशा दुखी रहता है। हालांकि आप सबकी हेल्प करते हैं लेकिन आपको समझने वाले लोग कम होते हैं। आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो वो आपके दुख का कारण बनती हैं। एक्सपेक्ट मत कीजिए लेकिन हेल्प करते रहिए। देखते हैं पाइसेस आपका दिन कैसा बीतने वाला है और आपके सितारे कहते हैं कि आपका दिन जो है एक्चुअली अच्छा बीतेगा अगर आप चाहें तो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा बिताना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। आपको सोचना है कि आज क्या करें आप जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल सकती है। मैं आपको रेमेडी भी दे रही हूँ, ये आप कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। पाइसेस क्योंकि आप जल तत्व प्रधान राशि हैं, वाटर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं और आपकी हीलिंग जो है पानी के आसपास रहने से होती है तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप आज पानी के आसपास रहने की कोशिश करें, यानी कि वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। थोड़ा सा पानी अपने किसी बर्तन में भर लें और उसको अपने पास रखें, उसमें अपने जो हाथ की जो फिंगर्स हैं इसके साथ खेलने की कोशिश करें, स्प्लैश करें वो वाटर अपने ऊपर, या फिर अगर आपके आसपास समुद्र है, नदी है, झरना है कोई, वहाँ जाकर सिर्फ आप बैठें, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्वामेरिन करके एक स्टोन होता है जो आपको पहनना है, इट्स अ ब्लू कलर स्टोन, ब्यूटीफुल स्टोन, ये आपको पहनना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये था 12 राशियों का हाल, कैसा रहेगा उनका दिन, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेमेडी, क्या उनके एलिमेंट्स हैं और क्या उनकी रेमेडीज हैं, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूंगी रेमेडी ऑफ द डे, वो भी एलिमेंट्स से जुड़ी हुई है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, आज लेती हूँ इजाजत। सेम टाइम सेम चैनल सेम शो पर आप मेरा शो देखते रहिए, रेमेडीज लिखते रहिए और अपने जीवन में अपनाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।